योगी बंगला शाहपुर चौक पठानकोट में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर चटबट बनी जखबड़ जोगियार डेरा के मुखी एवं अन्य संत समाज ने भाग लिया। इस अवसर पर महंत जोगी अमृतनाथ जी महाराज को सभी संतों की अगुवाई में इस योगी बंगला का महंत नियुक्त किया गया। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए महंतों ने बताया, आज महंत पीर योगी लक्ष्मण नाथ जी की बरसी के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि योगी अमृतनाथ से उन्हें आस है कि वह उन्हें जो भी पदवी दी गई है उसे बखूबी से निभाने का प्रयत्न करेंगे। आज बड़ा विशेष कार्यक्रम रहा जो हिंदू सनातन धर्म को जागृत करने के लिए जो साधु संत समाज है वो एकत्र हुआ है। आज विशेष कार्यक्रम था, गुरु महाराज की यह बरसी थी जोगी बंगला में और महात्मा को चादर रस्म करके महात्मा नियुक्त किया गया सारे साधु समाज के सामने और प्रदेश यहाँ पठानकोट का डिस्ट्रिक्ट जो इकट्ठे हुए हैं भगत इनके सामने। तो आज यहाँ महंत अमरनाथ जी को महंत नियुक्त किया गया, इन्होंने को जो जहाँ की परंपरा अनुसार मर्यादा अनुसार जहाँ बैठाया गया रीति रिवाज के साथ जहाँ चादर रस्म की गई। तो हम यही प्रार्थना करते हैं भक्तों के सेवकों के आगे कि इनका साथ पूरा सहयोग दें, इनका साथ पूरा दें और जहाँ जोगी बंगला में जो भी कमी पेशियाँ हैं और उनकी सेवा करके जहाँ पूरी करें और जहाँ चैल मैल जहाँ रौनक मेला लगा रहे हम यही चाहते हैं। जय हो। नाथों का जो नाथ संप्रदाय आदिकाल से प्राचीन काल से है, तो ये नाथ संप्रदाय जो डेरा है जोगी बंगला काफ़ी हजारों साल पुराना जो डेरा है, तो जहाँ काफ़ी समाधियाँ जहाँ संता महापुरुषा ने जहाँ तप करके लगी हुई हैं, तो आज अखंड धुना जो चलता है बाबा जी का वो आज भी चेतन है। तो जहाँ जो भी संगत आती है अपने नतमस्तक होकर बाबा जी का सेवा प्राप्त करती है उनकी मनोकामना पूरी होती है। हमको आज जखवाड़ के महंत पीर लक्की नाथ जी ने इधर पठानकोट जोगी बंगले में चादर बढ़ाई है। शंकरनाथ जी साथ चटपटी के महंत शंकरनाथ जी के साथ और अन्य भी हमारे कोई साधु संत है उनके साथ हमको चादर बढ़ाई है। हम यहाँ 2.5 बरस हो गए यहाँ आए, महाराष्ट्र के हम 2.5 बरस हो गए यहाँ आए। कौन कौन से काम रहते हैं कराने वाले यहाँ, क्या प्रयास रहेंगे आपके? यहाँ पूजा पाठ चलता है, डेरे की जो डाक डगी है जीर्णों को दर चालू रहता है वो करने का प्रयास करेंगे। ये जी गुरु गोरक्षनाथ जी जब ज्वाला जी जे गए थे तो ज्वाला जी जाते समय यहाँ एक रात रुके थे और ये भोरनाथ जी हुए हैं जो आप जखवड़ जोगियाँ हुए जखवड़ जोगियाँ से उस गद्दी के एक ये शाखा है जी और बाबा अमृतनाथ जी को महंत बनाया गया जी इस वक्त और इसके बाद इसमें अब आगे काम होंगे जो रुके हुए थे वो भी होंगे। आगे हमारे जो जखवड़ था उसमें भी अच्छे काम अब होने लगे हैं और जैसा कि मतलब बाबा गोरक्षनाथ जी की कृपा से सभी आपको पता है कि आज की सनातन में एक चोट मारी जा रही है, कब्जे भूमाफियाँ हैं बहुत तगड़े तगड़े भूमाफिया हैं, लोगों की निगाहें रहती हैं उस चीज़ में कब्जे भी करते रहते हैं जी, तो ताकि इसमें गोरक्षनाथ जी कृपा भगवान की कृपा से सारे अब आज की डेट में अच्छा हो रहा है और आगे सभी लोग सहयोग करेंगे तो और आगे अच्छा ही होगा जी।